हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी पाथ विद ज्योति। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहार की बहुत ही फेमस खोया नरसा की रेसिपी। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बहुत तरीके से बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ वह रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मेरी माँ बनाया करती हैं और उसी तरीके से मैं भी बनाती हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है। खोया नरसा बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर खोया की वजह से काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले एक बाउल में बासमती चावल ले लिया है। अगर आपको सही नरसा बनाना है तो मेजरमेंट के लिए एक कप या बाउल को फिक्स कर लीजिएगा। मैंने इस बाउल से 4 बाउल बासमती चावल लिया है। अब इस बासमती चावल को आपको 4 से 5 बार अच्छी तरह पानी से धो लेना है। मैंने चावल को लगातार 5 बार पानी से अच्छी तरह धो लिया है। अब आप देख सकते हैं इसका पानी कितना क्लीन दिख रहा है। अब इसे मैं इसी तरह पानी में भिगोकर लगभग 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जनरली लोग 12 से 24 घंटे तक भिगोते हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को हमेशा बस 5 से 6 घंटे ही भिगोते देखा है और हमेशा रिजल्ट औसम आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं 6 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। छह घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरा चावल अच्छी तरह फूल चुका है और अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। अब इस चावल को एक स्ट्रेनर के ऊपर डाल देना है ताकि इसमें जो थोड़ा पानी होगा वह भी बाहर निकल जाए। इसे मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद इस चावल को पंखा चलाकर अच्छी तरह एक कॉटन के कपड़े पर आधा घंटा के लिए फैला देना है और बीच बीच में इसे 2 बार चला देना है। आप देख सकते हैं चावल मेरा सूख चुका है। देखिए, अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसको अब मैं मिक्सी में 2 बार करके मैं इसे पीस लूंगी। चावल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, सूजी की तरह टेक्सचर रखना है। साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, थोड़ा सा इलायची पाउडर, 2 पिंच खाने वाला सोडा, सफ़ेद तिल और स्टफिंग के लिए मैंने चीनी मिक्स्ड खोया लिया है और मैं अब चाशनी बनाने की तैयारी करती हूँ। अब चाशनी तैयार कर लेती हूँ। चूंकि मैंने इस बाउल से 4 बाउल चावल लिया है तो ठीक उसका आधा यानी 2 बाउल चीनी लेना है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून चीनी और ले लीजिएगा। अब चीनी का आधा यानी 1 बाउल पानी डालना है। अब इसे मीडियम हीट पे लगातार स्टर करते रहना है जब तक कि चीनी पूरी तरह पिघल न जाए और इसे जस्ट 1 तार की चाशनी की पहले वाली स्थिति तक इसे चलाते रहना है। इसमें बॉयल आ चुका है, इसी समय खाने वाला सोडा और इलायची पाउडर डाल देना है और लगातार चलाते रहना है। अब मेरा चाशनी तैयार हो चुका है। इसका साइन यह है कि जब इस बॉल में मैं 1 बूंद चाशनी डालूंगी तो वह पिंडी में बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं। अब हीट लो कर देना है और थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालकर इसे लगातार चलाते रहना है ताकि कोई गुठली न बने। दो टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया है, उसको मैं डाल दूंगी। इसे लगातार मैं लो हीट पर चला रही हूँ। अब लगभग यह तैयार होने की स्थिति में है। इसे तैयार होने में लगभग 10 मिनट का समय लगा है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लूंगी। अब मेरा डो थोड़ा ठंडा हो चुका है। तिल में 2 छोटा चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिला लेना है ताकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाए ताकि कोटिंग अच्छे से हो सके। अब फ्राई करने के लिए तेल गर्म कर लेना है। सबसे पहले ऐसे
हाथ में आपको घी लगा देना है और थोड़ा सा डो लेकर एक गोला बना देना है। देखिए इस तरह, ये सही आटे का निशानी है कि आपका ये जो गोला है वो बहुत परफेक्ट लग रहा है। फिर इसको इस तरह कटोरी जैसा बना लेना है। इसमें मावा बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ज़्यादा भरिएगा तो वो बाहर निकल आएगा। फिर इसको सावधानी से इस तरह ऊपर का हिस्सा को अच्छी तरह, जैसे आप मोदक बनाते हैं ना वैसे ही इस करके धीरे धीरे इस तरह पूरा बंद करके हल्का से स्लाइटली फ्लैटन कर देना है। फिर इसके एक ही भाग में तिल लगाना है इस तरह, और ऐसे फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डाल देना है। इसे मीडियम हीट में डालना है, फिर हीट कम कर देना है। इसे उलटना नहीं है, इसे इसी तरह 5 मिनट तक लो हीट पे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसे निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे अनरसा को मैं फ्राई कर लूंगी। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने सारा अनरसा फ्राई कर लिया है। आप भी मेरी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें, और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी का आनंद लेते रहें। थैंक यू।